दिवास्वप्न गिजुभाई बधेका की कालजयी पुस्तक जो 1932 में उन्होंने लिखी थी। उस पुस्तक में उनका बच्चों और उनके बचपन के प्रति अटूट विश्वास को पढ़ा आज की एक शिक्षिका वंदना ने। और अभी तक आपने देखा, वंदना ने शुरुआत करी शांति के खेल से। खेल सफल नहीं रहा। वंदना परेशान हुई जरूर, मगर हारी नहीं। उधर हेडमास्टर साहब चिंतित तो नहीं, पर उत्सुक जरूर थे। उसी स्कूल में थी सरिता जी, उनका सहयोग मिला और बात आगे बढ़ी। अब वंदना ने कहानी के माध्यम से बच्चों को एकाग्र करने की कोशिश करी और इस बार वो सफल रही। वंदना को कुछ ऐसा लगा कि कहीं उसने कुछ जीत लिया है। कहानी का जादू काम तो आया, ऐसा सरता जी का मानना है। वंदना की क्लास व्यवस्थित हुई है, पर वक्त तो लगता ही है नई आदतें डालने में। वंदना के सहयोगी शायद बहुत सहमत नहीं है, पर सरिता जी का मानना है बात धीरज रखने की है। ऐसा भी धीरज किस काम का? कहानियां सुनाते रहो और कोर्स पूरा करो नहीं। लेकिन सरिता जी, आप कब से कहानियों की हिमायती होने लगी? हाँ हाँ बताइए सरिता जी। क्योंकि मुझे समझ में आ रहा है कि कहानी बच्चों को शांत रखने या अनुशासन में रखने भर का नुस्खा नहीं है। कहानी तो भाषा में संस्कार लाती है। सही उच्चारण, बोलने का ढंग, सही विराम, ये सब कला बच्चे धीरे धीरे सीखने लगते हैं। गीता, आगे क्या हुआ? आगे ये हुआ कि राजा तुम्हों से बहुत परेशान था। के सारे पाए फैल हो गए। तभी दूर से बांसुरी की आवाज आई। नमस्ते टीचर जी। नमस्ते, बैठो। और मैं आई हूँ चूहों को भगाने। टीचर जी, गीता सुना रही थी अभी कहानी। हाँ, इसने बहुत अच्छी कहानी सुनाई। टीचर जी, मैं सुनाऊं पढ़कर कहानी? हाँ, आप भी सुनाओ। मंगू का लट्टू। मंगू को एक खिलौना चाहिए था, ऐसा खिलौना जो मजेदार हो, चमकदार हो और एकदम नया हो। सोनिया, ठीक से पढ़ो। पढ़ तो रही हूँ। टीचर जी, आप सुनाइए ना कोई कहानी। मैं भी सुनाऊंगी, लेकिन ये कहानी तो सोनिया ही सुनाएगी और तुम्हें मजा भी आएगा। लेकिन अच्छे से कहानी सुनाने के लिए ढेर सारी किताबें पढ़नी पड़ती हैं। अच्छा, एक बात बताओ, तुमने पढ़ी है कहानियाँ किताबों में? कौन कौन सी किताबें पढ़ी हैं? चंपक, नंदन, भारती, किशोर भारती, रामायण, दो आँखें। और अच्छा, चलो हम ऐसा करेंगे कि हम खूब सारी कहानी की किताबें इकट्ठी करेंगे, फिर हमारे पास इतनी कहानियां होंगी कि तुम सब पढ़ते पढ़ते थक जाओगे। टीचर जी, कोई नया खेल खेले? नया खेल? हाँ, खेल जरूर खेलेंगे। नया खेल? अच्छा, एक काम करो, दो दो के जोड़े बनाओ। टीचर जी, ये जोड़े कैसे बनाए? ऐसा करो कि जो तुम्हारे बराबर में बैठे हैं ना, तुम उनके नाखून देखो और वो तुम्हारे नाखून देखेंगे कि साफ है या नहीं। ठीक? और इस छोटू के तो मैं देखूंगी। दिखाओ। अरे, इसके तो बहुत साफ है। टीचर जी, देखिए देखिए, जल्दी देखिए, इसके नाखून कितने गंदे। देखिए, इसके भी कितने गंदे नाखून हैं। देखिए देखिए टीचर, इसके कितने गंदे नाखून।
नीतू बहुत गलत बात है, दांतों से काटते नाखून को। हाँ कल घर से कटवा कर आना, ठीक है? और ये सब के लिए है, सिर्फ नीतू के लिए नहीं है, सब कटवा के आएंगे जिनके लंबे नाखून है, ठीक है ना? हाँ जी। और हम कल फिर यही खेल खेलेंगे। वंदना का अपने आप में विश्वास आसानी से डगमगाता नहीं था। बच्चे उसे अच्छे लगते थे और बच्चों को वंदना। वो चाहती थी कि बच्चे जीवन के हर पहलू में खरे उतरें। हाँ कभी कभी उसे ये जरूर लगता था कि कहीं वो एकदम से बहुत कुछ तो नहीं करना चाहती। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि हम लोग न जाने कैसे बड़े हो गए। अब जब बच्चों को देखती हूँ तो लगता है जैसे छत पर खड़े हों और वहीं से सब कुछ देखते हों, छोटा छोटा सा। शायद यहीं कुछ ठीक नहीं है। अगर हम नीचे उतर आए और बच्चों की आंखों में आंखें डालकर देखें तो हमें न जाने क्या क्या दिखेगा। बहुत अच्छी लगती हो जब तुम इस तरह की बातें करती हो, मगर वंदना याद रखना, सच वो है जो सामने है, उसे नकारा नहीं जा सकता। और वो बच्चे जिन्हें तुम पढ़ा रही हो वो भी समाज का ही अंग है, वही समाज जो सबको एक नज़र नहीं देख पाया। जैसे कुछ लोग मोटर चलाते हैं, कुछ नहीं। इसके आगे और क्या कहूँ। सरिता जी आप समाज को बीच में क्यों लाती हैं? बच्चों का क्या समाज और एक टीचर का समाज से क्या लेना देना भला? उसके लिए तो उसके बच्चे होते हैं बस, मेरे लिए तो इतना ही काफ़ी है। सरिता जी सिर्फ किताबें रटवा देने से कुछ नहीं होगा। एक क्लास से दूसरी क्लास, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, बस यूं ही चलता रहेगा सब। हमें तो उन्हें लंबी सड़क पर लेकर जाना है, कम से कम रास्ता तो दिखाना ही है। अच्छी बातें कर लेती हूँ, अच्छी बातें कर लेती हूँ। ठीक है आप ही मुझे ही गलत समझती हैं ना, मैं नाटक करती हूँ। बहुत जल्दी तुम अपने पर सब कुछ ले लेती हो। ये कभी मत सोचना कि मैं तुम्हें कोई नया काम करने से रोकूंगी। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि तुम आगे बढ़ो जरूर, पर एक एक कदम संभल कर, जमे हुए कदम। कदम कदम पर विश्वास आसानी से मिलता हो ऐसा वंदना जानती थी कि होता नहीं है। वंदना ने कह तो दिया मगर बाद में उसे लगा बच्चों से साफ सुथरा आने को कह भर देना शायद काफी नहीं था। बात उनके माता पिता तक पहुंचने की थी। उसने तय किया कि वो खुद बच्चों के घर जाकर उनके माता पिता से मिलेगी। विश्वास ये था कि वो उन्हें आसानी से अपनी बात समझा पाएगी। असलियत कुछ और थी। घर में किसी के पास रत्ती भर फुर्सत नहीं थी और फिर ये टीचर नया काम बता रही है। वंदना पेरेंट्स की बहुत शिकायतें आ रही हैं। अब देखो बच्चों की सफाई का काम तुमने उन्हीं के घर तक पहुंचा दिया। मैं कहता हूं जो कुछ करना है स्कूल में करो। ये नहीं हो सकता सर, ये काम घर के हैं और बहुत जरूरी भी हैं। क्यों नहीं बच्चों की सफाई पर ध्यान दिया जा सकता घर में? नाखून काटना, कपड़े साफ रखना, कौन से बड़े काम हैं ये? ये सब कहना आसान है वंदना, क्या तुम नहीं जानती कि ये बच्चे किस परिवेश से आते हैं?
इनके माता पिता से इससे ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती। ये बात तो सर माफ कीजिएगा, मेरी समझ से तो बाहर है, बिल्कुल बाहर है। परिवेश से, बच्चों का साफ सुथरा रहने से क्या लेना देना। मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि माता पिता थोड़ा सा ध्यान अपने बच्चों के हुलिये को भी दें। क्या हो जाएगा उससे? बच्चों को अच्छा लगेगा, साफ सुथरे दिखेंगे तो हम सभी को अच्छे लगेंगे, है ना सर? और फिर पढ़ने पढ़ाने में भी मजा आएगा। वंदना, कभी कभी लगता है कि तुम व्यवहारिकता से परे कुछ करना चाहती हो। क्या तुमने कभी जीवन की सच्चाइयों के बारे में सोचा है? अमीर गरीब ये सब सच है, इस बात को ध्यान से समझ लो। हर कोई सब कुछ नहीं कर सकता। मैं जानती हूँ सर, बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन कोशिश करना तो मेरा अधिकार है, वो मैं करूँगी। अब ठीक है, मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि हम पेरेंट्स को साथ रखकर ही कुछ कर सकते हैं, और भगवान के लिए कहीं कुछ ऐसा मत कर देना जिससे नई मुसीबत खड़ी हो जाए। आप निश्चिंत रहिए सर। मैं तो निश्चिंत हूँ वंदना, एकदम निश्चिंत। चौखट के पास वो दूर जो शाला दिखती है, क्या होता होगा वहां, खेल किताबें ढेरों साथी, क्या होगी पूरी आजादी, कई तस्वीरें बनती हैं बिगड़ती हैं। इस चौखट के पास वो दूर जो शाला दिखती है, नमस्ते टीचर जी। नमस्ते टीचर जी, आज आप हमें कोई कहानी सुनाओगे या फिर खेल खिलाओगे? ना तो आज हम कहानी सुनाएंगे और ना कोई खेल खेलेंगे, आज हम कुछ नया करेंगे। टीचर जी कौन सी नई चीज? आज हम साफ सफाई पे ध्यान देंगे। साफ सफाई? टीचर जी इसके नाखून देखो कितने गंदे, मैंने कल देखे थे। सही में इसके नाखून बहुत गंदे, पता है ऐसे हाथ से खाना भी नहीं खाना चाहिए। और मैं इसी के लिए लेकर आई हूँ ये नेल कटर, आज इसके नाखून काटेंगे। क्यों, तुम लोगों को साफ रहना अच्छा नहीं लगता क्या? लगता तो है पर। चलो कोई बात नहीं, हाँ आज से हम यहीं पे शुरू करेंगे, ठीक है? अब कुछ और नया करना था, बात घूम कर आई वंदना पर, जो भी था उसे ही शुरू करना था। ऐसा उसने किया, उसने स्वयं कक्षा में अच्छी आदतों को डालने का अभ्यास शुरू कराया। एकदम से नहीं हुआ सब कुछ, इस प्रक्रिया में वंदना भी कितना कुछ सीखती जा रही थी। उसके सारे के सारे अनुभव, उसका विश्वास था काम आएंगे बच्चों के। सफाई हुई, नाखून कटे, बच्चों को अच्छा लगा और मुझे भी। ये सब उतना सहज भी नहीं जितना मैंने सोचा था। गीजू भाई का काम कितना विकट था मेरी समझ में अब आ रहा है। बहुत सारी चीजें मिलकर शायद एक ऐसी व्यवस्था बनाती हैं जहां सीखने सिखाने का काम
सुंदर तरीके से हो सके। अब बुनियाद पड़ चुकी है, मिट्टी तैयार है, बात वही है, एक एक कदम आगे बढ़ने की।